हेलो एवरीवन, जैसे कि नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं आज आप सबके लिए नवरात्रि स्पेशल आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत इजी है, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी यहाँ पे मैंने मलबेरीज ले लिए, जिसे शहतूत बोलते हैं, आजकल उसका सीजन चल ही रहा है तो वो ले लिए थे मैंने। और यहाँ पर एक कटोरी चीनी ले ली थी मैंने। इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पैन पे रख के इसको गैस पे ऑन कर लिया था। यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। शहतूत को आप अच्छे से धो लेना, फिर इसमें ऐड करना, ठीक है। अब ये जो है थोड़े थोड़े मोटे थे ना, तो इसलिए मैंने इसे मैशर की हेल्प से इसे थोड़ा मैश किया था ताकि इसका जूस जो है बाहर निकले। अब ये जूस जो है अच्छे से बन गया है तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेन कर लिया है ताकि जो बीज है वो हम बाहर निकाल दें, आइसक्रीम में बीज ना आए। ये देख सकते हो आप। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब साइड पे हम क्या करेंगे, दूध गर्म कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ लीटर दूध लिया था और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। हाफ मतलब जितना आप दूध लोगे उसका हमें आधा दूध करना है, ठीक है। इतना हमें उसे बॉईल करना है। उसके बाद थोड़ा सा जब बॉईल आ गया था तो जो हमने मिक्सर बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे चलाते रहेंगे। दूध को हमें आधा दूध करना है, ठीक है, तभी हमारी आइसक्रीम जो है अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे मैंने लास्ट में वनीला एसेंस ऐड किया था, आप चाहो तो करना वरना आप मत करना, ठीक है, ये फ्लेवर के लिए होता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया था जिसमें मुझे आइसक्रीम जमानी है, तो ये कंटेनर ले लिया था मैंने और इसमें डाल दिया था बैटर, उसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। ठंडा करने के बाद इसके ऊपर मैंने जो है फॉइल शीट लगाई थी ताकि इसके ऊपर आइस के क्रिस्टल ना आए, ठीक है। उसकी वजह से बंद कर दिया था। बंद करने के बाद 3 घंटे मैंने आइसक्रीम को फ्रिज में रखा था। 3 घंटे के बाद आइसक्रीम जो है कुछ ऐसे बनी थी जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, थोड़ी हार्ड सी हो रही थी बट ज़्यादा जमी नहीं थी। अब 3 घंटे के बाद हम इसको जो है फ्रिजर से निकाल लेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से मिक्सी के ऊपर। मीडियम या लो स्पीड पे हम सिर्फ चलाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हो ऐसी पेस्ट जो है रेडी होगी हमारी। अब इस ऐसी पेस्ट को रेडी करने के बाद हम दोबारा से कंटेनर में डालेंगे और इसे दोबारा से जमा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मलबेरीज के पीसेस कट करके डालते ताकि थोड़ा फ्लेवर आए। और उसके बाद जो आइसक्रीम हमने ग्राइंड की थी, ब्लेंड की थी, वो हम इसमें डाल लेंगे और ये आइसक्रीम जो है रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम दोबारा से शीट लगा लेंगे और इसे मतलब ओवरनाइट के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में, ताकि जो है ओवरनाइट हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम जाए। अभी आप देख सकते हो सुबह मैंने ये आइसक्रीम निकाली थी और ये रेडी हो गई है। अगर आपको ये आइसक्रीम अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ सबके साथ शेयर ज़रूर करना।